हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान कॉपर स्टॉक के बारे में और इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टॉक पर एक रेजिस्टेंस कह सकते हैं इसको। ये रेजिस्टेंस है 160 रुपए के आसपास। और स्टॉक के सपोर्ट की बात करें तो स्टॉक के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है लगभग 146 के आसपास। अभी क्या है, प्राइस नीचे है, अपने रेजिस्टेंस के नीचे है। अब देखना क्या है, संभावना है कल स्टॉक गैप अप खुलता है तो आपको इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता दिख जाए। और आपको अगर बाइंग करनी है तो खरीदारी करनी है तो खरीदारी के लिहाज से आपको इस स्टॉक में थोड़ा सा समय देना पड़ सकता है। तो आपको बाय करना है 166 के आसपास, उससे पहले बाय नहीं करना है। 166 के ऊपर बाय करेंगे और टारगेट रखेंगे अपना, फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 198 रुपीज। ठीक है, 198 रुपीज तक आप जा सकते हैं। उसके बाद यदि स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ तो आप मानिए स्टॉक डबल होने वाला है। ठीक है, अगर स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया 198 का या 200 के ऊपर स्टॉक सस्टेन कर गया तो आप मान लीजिए कि स्टॉक लंबा चलने वाला है और डबल होने की पूरी पूरी संभावना है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, राम राम।